ये बॉक्स है माइक्रोफोन का, मेरे रोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मेरा रोड का माइक आ गया है, और माइक तो काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे टेस्ट किया जाए, देखा जाए भाई क्या ख़ास है इसमें, क्यों इतना महंगा है ये। और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है ये, तो क्योंकि उसके बॉक्स पे लिखा हुआ था। अभी मैं निकला हूँ थोड़ा इसको टेस्ट करने, तो आप लोग अभी माइक का अनबॉक्सिंग वीडियो देखिए और फिर आके मिलता हूँ मैं। ये कुछ इस तरह से पैकेट में आया है, और इसको भी फटाफट हम लोग देसी स्टाइल में ओपन करते हैं। पूरा सील पैक है, अमेजोन से मंगवाया है मैंने। ये बॉक्स है माइक्रोफोन का, मेरे रोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है। गो जो आता है वो हमारा गोप्रो में लग जाएगा, और जो प्लस करके एक वेरिएंट आता है वो अगर मिला तो मैं उसका स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पे डाल दूँगा। वो आपका मोबाइल फ़ोन और DSLR के लिए आता है। तो कुछ तो ये एक निकला पाउच, जिसके अंदर आई थिंक माइक्रोफोन है, ओके इसी के अंदर ही है, और इसमें तो कुछ नहीं है, खाली मेरा ये वाइट कलर का माइक है वाइट। ये इसकी क्लिप है, एक क्लिप आती है, तो इसको हम लोग फटाफट हेलमेट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, कैमरे से लगाते हैं, फिर हम आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी दिखाते हैं। वाइट कलर का माइक है मेरा, और एक्चुअली ब्लैक था नहीं स्टॉक में, तो मैंने सोचा वाइट ही ले लेता हूँ, क्योंकि यार काम चलना चाहिए। वैसे भी कैमरे के अंदर होता है, थोड़ा सा हिस्सा बाहर होता है, चल जाएगा, वरना ब्लैक पेंट मार देंगे, ब्लैक स्प्रे हम इंडियन से यार कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये रोड का माइक ही है, और जो शुरू से भी इस ब्लॉग में मैंने रोड का माइक ही यूज़ किया है। तो कैसी आवाज़ आ रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा रोड कहीं खाली मिलता है तो वहाँ बाइक भगाते हैं और देखते हैं एग्जॉस्ट का साउंड कितना ये जस्टिफाई कर सकता है, कितना अच्छा ये कैप्चर करता है। तो कहीं जगह नहीं मिल रही खाली यार, इसीलिए मैं इंटीग्रल की साइड आया था। आई थिंक आवाज़ अच्छी आ रही होगी, क्योंकि यार रोड है तो रोड है इसका नाम ही काफ़ी है, और क्वालिटी तो देता ही देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भगाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक के सिग्नल्स, फट से हेडशॉट। क्या बात है भाई, आवाज़ तो काफ़ी अच्छी आ रही होगी आज। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। आवाज़ तो काफ़ी अच्छी आ रही भाई सॉरी गाइस, थोड़ा सा परेशान हुए आप लोग जो भी यहाँ आसपास थे, बट थोड़ा मुझे माइक चेक करना है, तो स्पीड तो बनता ही है मेरी जान, ये तो कुछ नहीं है यार, फुल मस्ती करने के लिए फट से हेडशॉट, पटाखे मारती है पटाखे
ये है कुकरेल जंगल लखनऊ वाला, और कुछ ऐसे साउंड आ रहा होगा आपको, ये कट 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 कट। अब हम यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा सा रेप्स करेंगे। कुछ इस तरह की साउंड आ रही होगी, और अब निकलते हैं घर की तरफ। एक बार जंगल में थोड़ा मंगल मचा के आता हूँ। ज़्यादा फास्ट नहीं चलाने का, कोई भी जानवर आ सकता है यहाँ। बस यहीं से वापस। आई थिंक रोड की माइक में तो साउंड काफ़ी अच्छी आ रही होगी। तो साउंड आप लोगों को काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इसका जो माइक है वर्ल्ड नंबर वन है आई थिंक। काफ़ी महंगे आते हैं, काफ़ी प्रीमियम लेवल पे आते हैं रोड के माइक्स। तो मुझे जहाँ तक पता है, मुझे लगता है नंबर वन ब्रांड है ये दुनिया का, रोड जो ब्रांड है माइक का। तो आपको क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी, और ज़्यादा इधर उधर की आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। तो थोड़ा घर पहुँचते हैं रास्ते में और इन्जॉय करते हैं, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा रोड माइक, और कैसी क्वालिटी है इसकी, आपको कैसी साउंड क्वालिटी मिल रही है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, और एंड करने से पहले सोच रहा हूँ एक बार थोड़ा सा साउंड सुना दिया जाए फिर से एक बार। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ निकाल रहे हो। ओए होए होए, तो वीडियो करता हूँ मैं एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। Thank you.